नमस्कार साथियों, जय भीम। हम बात करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या विचार था ट्रेड यूनियन को लेकर और मजदूर पार्टी को लेकर। इस सिलसिले में 1943 को इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का एक प्रोग्राम हुआ था, 7 दिनों का स्टडी सर्किल चल रहा था। उसके समापन भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया था। मैं उसी भाषण की आज चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक दो बातें और आपसे साझा करना चाहता हूं। एक तो ये है कि 1938 में जब वो मजदूर और किसानों का आंदोलन लीड कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बातें कही थी और मैं चाहता हूं कि उस बात को आपके सामने रखा जाए। वो लिखते हैं, बोलते हैं, और इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं कि भारत के सारे वामपंथियों ने मिलकर वामपंथ पर जितनी किताबें पढ़ी होंगी उससे ज्यादा मैंने अकेले पढ़ा है। वे कभी व्यवहारिक पक्ष को नहीं देखते। मजदूर और किसान को अपने दुख के कारणों की तलाश करनी चाहिए, और जब तक हम व्यवहारिक चीज नहीं देखेंगे तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज नंबर 170 और 71 पे आप देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अंबेडकर की रीडिंग काफी व्यापक थी मार्क्सवाद को लेकर, और शायद हो सकता है, संभव है कि जो वहां के वामपंथी यहाँ के वामपंथी रहे उनसे कुछ वैचारिक मतभेद रहे हों, इसलिए उन्होंने ये बात कही। उसके बाद वो जब ब्रिटिश लेबर मेंबर बनते हैं, ब्रिटिश गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो 1943 में एक बड़ा दिलचस्प बात वो कहते हैं कि भारतीय जो मजदूर संघ है, जो लेबर पार्टी है, उसको ब्रिटिश लेबर से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने टोड़ियों को वहां से सत्ता से उखाड़ फेंका है और कैसे सत्ता पे कब्जा किया है उन्होंने। ये बात वो कह रहे हैं, दिलचस्प है। तो इसी संदर्भ में मैं उनकी बात रखूंगा कि जो 1943 में उन्होंने क्या बात कही थी ट्रेड यूनियन को लेकर और जो वर्किंग क्लास की पार्टी है उसको लेकर। आपको जैसा कि याद होगा कि 20 जुलाई 1942 को अंबेडकर काउंसिल में मेंबर नियुक्त हुए थे, और उस समय यह दौर है कि जब विश्व युद्ध हो रहा था और कई देशों में संसदीय प्रणाली की भी स्थापना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की भी स्थापना हो चुकी थी। तो उस समय की स्थिति है और आज की स्थिति, खास तौर से एक सिमिलैरिटी हमको नजर आती है कि दुनिया भर में संसदीय लोकतंत्र, बहुत सारे मुल्कों में संसदीय लोकतंत्र है, लेकिन किसान और मजदूर की क्या हालत है, क्या स्थिति है, ये हम आप सबसे किसी से छुपी नहीं है। इसलिए अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ जाती है। सो जो लेक्चर उन्होंने दिया था, जो वैलिडिक्टरी लेक्चर दिया था, उसके दो पहलू हैं। एक कि संसदीय लोकतंत्र की असफलताओं की समीक्षा, और दूसरा मजदूर वर्ग के कार्य और रणनीति की, और भविष्य में क्या स्ट्रेटजी बनेगी इसकी समीक्षा उन्होंने की है। संसदीय लोकतंत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे, कि यह व्यवस्था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की गई है, और यह महसूस किया गया था कि इस शासन, यह शासन, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, यह सबसे बढ़िया किस्म की गवर्नेंस है, और यह एक ऐसा स्वर्ण युग लाएगा, एक गोल्डन पीरियड लाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, संपत्ति और खुशहाली का अधिकार प्राप्त होगा। वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में लोकप्रिय सरकार के सभी लक्षण, सभी गुण होते हैं। आगे वो कहते हैं कि सिर्फ तानाशाही प्रवृत्ति के लोग, तानाशाह, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ होते तो कोई बात नहीं, वो बात समझ में आती, लेकिन वैसे देशों में भी संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ रोष था कि जहां पे उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को लाया था, उनको बनाया था, कई देशों का उन्होंने उदाहरण दिया। तो यही बात है कि उनके जो लेक्चर का एक प्रस्थान बिंदु है, वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बहुत संघर्ष के बाद आया था, लेकिन यह आम जनता के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति, खुशहाली के अधिकार के आश्वासन के प्रति असफल रहा है। और ये क्यों असफल रहा है, वो कहते हैं कि इसके लिए दो तीन बात हो सकती है, गलत विचारधारा, गलत संगठन, या दोनों, दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले वो विचारधारा पे बात करते हैं। वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को नष्ट करने वाली जो चीज है, वह है करार की स्वतंत्रता का विचार।
इसने आर्थिक असमानताओं इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और विचार नहीं किया कि अगर एग्रीमेंट करने वाले दोनों पक्ष शासक और शासित दोनों पक्ष अगर असमान हो तो फिर करार का क्या नतीजा निकलेगा, इस बात पे ध्यान नहीं दिया। ये पहली बात है। दूसरी बात वो कहते हैं कि इस बात की परवाह नहीं की कि स्वतंत्रता ने सशक्त को अवसर दिया कि वो कमजोर को धोखा दे सकता है, इसलिए यह हुआ कि स्वतंत्रता के हिमायती होते हुए भी गरीबों दलितों वंचितों की आर्थिक विषमताओं को इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को और बढ़ाया है। यह समझ पाने की असफलता भी है कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के बिना विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो कहते हैं कि जो सोशल डेमोक्रेसी है जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है यह एक तरह से स्नायु है, तंत्र है। जितना अधिक ये मजबूत होगा जो बॉडी उतना ही मजबूत होगा, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। आगे वो कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता की चाहत का विकास किया कि सब लोग इक्वल होंगे, स्वतंत्र होंगे, परंतु असमानता के प्रति इन्होंने नकारात्मक रुख अपनाया। यह समानता के महत्व को अनुभव करने में सफल नहीं रहा है। इसने स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन को इसने कायम नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्रता ने समानता को निगल लिया और असमानता को पनपने दिया। ये बात कह रहे हैं कि आप स्वतंत्रता तो मिला, लिबर्टी तो मिली, लेकिन आपने समानता इक्वालिटी की ओर आपने ध्यान नहीं दिया। ये इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात जो कह रहे हैं वो संगठन को लेकर कह रहे हैं कि संगठन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विचारधारा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है संसदीय लोकतंत्र के फेलियर होने में। पहला पॉइंट वो कहते हैं कि सभी राजनीतिक समाज दो वर्गों में विभाजित होता है, शासक और शासित, और शासक सदैव शासक वर्ग के होते हैं और शासित वर्ग कभी शासक नहीं बन सकता। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि लोग सरकार की स्थापना तो करते हैं लेकिन उस सरकार को स्वयं प्रशासन करने के लिए छोड़ देते हैं, ये भूल जाते हैं कि यह सरकार उनकी नहीं है। जैसे पार्लियामेंट वोट दे दिया, इलेक्शन हो गया, उसका तो भूल जाते हैं सरकार को, जो मर्जी है करता रहे, कोई उसमें कोई बैलेंस नहीं है। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की कभी भी ऐसी सरकार नहीं बन पाई जो लोगों की हो अथवा लोगों के द्वारा हो, यही कारण है कि यह सरकार कभी लोगों के लिए बनी ही नहीं। चौथा पॉइंट, संसदीय लोकतंत्र में सरकार का ताना बाना होते हुए भी वास्तव में यह वंशानुगत शासक का वंशानुगत प्रजा पे सरकार है, डायनेस्टिक रूल है, प्रजा भी डायनेस्टिक प्रजा है और राजा भी डायनेस्टिक प्रजा है। यही उस राजनीतिक जीवन का सबसे खराब पहलू है जिसने संसदीय लोकतंत्र को बिल्कुल असफल बनाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिल्कुल असफल बनाया है। अब जो नेक्स्ट इनका जो अंडरस्टैंडिंग है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से ऐसा हुआ, तो कहते हैं कि गरीब मजदूर और दलित वर्ग यही वे वर्ग हैं जो इसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इसके लिए क्यों ऐसा कहते हैं, तो पहला पॉइंट कि इन वर्गों ने मानव जीवन में आर्थिक महत्व के प्रभाव को नहीं समझा, जो इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है उसको नहीं समझा, उसके प्रति बहुत ही उदासीन रहे। दूसरा, वो मार्क्स को कोट करते कहते हैं कि काल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया था, इतिहास की आर्थिक व्याख्या की थी, वो व्याख्या सिर्फ इतिहास और सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं दी थी, वो बल्कि श्रमिक वर्गों को अपनी दिशा, अपनी आर्थिक दशा बदलने के लिए दी थी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वहाँ बात है, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है कि ये पढ़ना चाहिए उनको, क्यों मार्क्स को कोट कर रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसमें कह रहे हैं कि इन्होंने कभी जो मानवता से संबंधित साहित्य है उसको पढ़ने का प्रयास नहीं किया, मजदूर वर्ग। और क्यों ये कह रहे हैं, वो सजेस्ट भी कर रहे हैं, कहते हैं कि श्रमिक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को श्रमिकों की परिस्थिति के बारे में
नोट कीजिएगा, श्रमिकों की परिस्थिति के बारे में रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पोप लियो 13 के इंसाइक्लिकल विचारों, जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता के विचारों से अवगत होना चाहिए। लेकिन मजदूर वर्ग क्या करते हैं, उनको ज्यादा दिलचस्पी होती है राजा महाराजा की प्राचीन कहानियों को पढ़ने में, कपोल कल्पित कहानी पढ़ने में उनको ज्यादा दिलचस्पी होती है और इस तरह के साहित्य पढ़ने के लोग आदि हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात है कि कहते हैं कि ये जो मजदूर और दलित वंचित वर्ग है, इन्होंने सरकार में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कभी महत्वाकांक्षा ही नहीं की और इस बात की जरूरत ही नहीं समझते कि उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार पर उनका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, सरकार में नियंत्रण होना चाहिए, यहां तक कि सरकार में उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है। कहते हैं अंबेडकर कि यही वो बात है कि दुनिया में जितने जो त्रासदियां हुई हैं, त्रासदियां, उस त्रासदी में यही सबसे बड़ी त्रासदी है जिसके कारण जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हुआ है। अब नेक्स्ट वो आते हैं, नेक्स्ट वो कहते हैं कि श्रम संगठन जो है, ट्रेड यूनियन है, उनकी भूमिका क्या हो। तो कहते हैं नंबर वन कि मैं ट्रेड यूनियन का विरोधी नहीं हूं, उनसे बहुत सारे उपयोगी बातचीत काम हो सकते हैं, परंतु ट्रेड यूनियन को ही दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान मान लेना यह गलत है। इससे कोई समस्या का समाधान, उस तरह के समस्या का समाधान नहीं हो सकता है कि रामबाण नहीं मत बनना चाहिए कि ट्रेड यूनियन अगर बन गया तो वही सब कुछ रिजॉल्व कर देगा। वो कहते हैं दूसरा पॉइंट कि मजदूर वर्ग कितने, मजदूर संगठन, श्रमिक संगठन कितने भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन इतने शक्तिशाली वो कभी नहीं होते कि श्रमिकों पे, पूंजीपतियों पे दबाव बनाकर कम से कम पूंजीवाद को ही सही तरह से चलाने के लिए विवश कर सके। इतना पावरफुल नहीं होता है कभी भी ये श्रमिक संगठन। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो कहते हैं कि मजदूर संगठन तभी प्रभावी होंगे जब उनके पीछे श्रमिकों की एक विश्वसनीय सरकार होगी, श्रमिकों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वे सरकार पर नियंत्रण करना अपना लक्ष्य बनाए। सिर्फ इकोनॉमिक मांग नहीं, ट्रेड यूनियन नहीं, सीधा गवर्नमेंट पे कैसे कब्जा करेंगे, ये वर्किंग क्लास को ये सोचना चाहिए। सोचिए अंबेडकर 1943 में ये बात कर रहे हैं, उससे पहले भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारी राइटिंग्स अगर पढ़ेंगे तो कई जगह वो उन्होंने वर्किंग क्लास मूवमेंट के बारे में बात की है। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कह रहे हैं कि मजदूर संघ का उद्देश्य होना चाहिए कि सरकार की, जब तक सरकार पे उनका नियंत्रण नहीं होता तब तक वो कामगारों को बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचा सकते हैं और मजदूर संघ के नेता के बीच अनवरत तकरार, झगड़े, लड़ाई का सोर्स बने रहेंगे। इसलिए एजेंडा स्पष्ट कीजिए कि कैसे पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना है। ये एजेंडा पे जब तक नहीं रहेगा तब तक वो बात बनेगी नहीं। एक इंपॉर्टेंट थीम और है उनके इस लेक्चर में, वो है कि श्रमिक और राष्ट्रवाद। आजकल राष्ट्रवाद वैसे भी चर्चा में है और चलते फिरते लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट देते हैं और तुरंत जो है एंटी नेशनल घोषित हो जाता है। तो अंबेडकर कह रहे हैं पहला पॉइंट कि राष्ट्रीयता की अपील द्वारा श्रमिक लोग भ्रमित हो जाते हैं, है ना, सब कूदने लगता है जय राष्ट्रवाद जय राष्ट्रवाद, भ्रमित हो जाते हैं। कहते हैं कि श्रमिक वर्ग प्रत्येक दशा में कंगाल है, उसके पास देने के लिए नाम मात्र का ही धन है, नाम मात्र का धन है, लेकिन वो तथा कथित राष्ट्रीयता के उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, उन्हें यह भी चिंता नहीं रहती कि जिस राष्ट्रीयता के लिए वो बलिदान दे रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, एक बार वो राष्ट्रीयता स्थापित होने के बाद उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता देगी या नहीं देगी वह यह भी नहीं सोचते। चौथा पॉइंट कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो श्रमिकों के बलिदान से पोषित हुआ है,
उनकी कुर्बानियों से पोषित हुआ है, अपने सत्ताधारी स्वामियों के अंतर्गत सर्गवारा वर्ग का शत्रु बन जाता है। यह इंपॉर्टेंट दिलचस्प बात है कि जिस श्रमिक वर्ग के कुर्बानी से यह राष्ट्र स्थापित होता है, राष्ट्र आता है, जब एक बार सत्ता में आते हैं लोग तो सर्वहारा वर्ग का प्रोलेटेरियट का वही राष्ट्रवाद, वही राष्ट्र शत्रु बन जाता है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि आज देश में, इस दुनिया में, तमाम मुल्कों में श्रमिक वर्ग की क्या स्थिति है। श्रमिक वर्ग के नाम पे उनका वोट लेके सरकारें आती हैं, लेकिन आने के बाद जो जो पॉलिसीज बनती हैं इसकी समीक्षा आप सब, हम सब जानते हैं। अंबेडकर ने इस व्यवस्था को शोषण की सबसे खराब स्थिति माना है, कि सबसे खराब स्थिति है जिसे मजदूर वर्ग ने अपने ऊपर जो है उसको आरोपित कर लिया, अपने ऊपर थोप लिया है। ये खुद ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करके वोट वहां दे आते हैं और वही सरकार जब एक बार बनती है तो वही सरकार इनके खिलाफ काम करती है। तो ये पूरा जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को अंबेडकर समझ रहे हैं, लेकिन खाली समझ के वो छोड़ नहीं दे रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन, आगे क्या करें, ये भी वो सॉल्यूशन उसमें देते हैं कि क्या करना चाहिए मजदूर संगठन को और पार्टी को। तो पहला जो उनका सुझाव है कि मजदूर संघों को मात्र स्थापना, मजदूर संघ की सिर्फ स्थापना हो जाए, इसी चीज को श्रमिक वर्ग का अंतिम उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए, इसको नकारना चाहिए कि ट्रेड यूनियन का एक लिमिटेड रोल है, उस ट्रेड यूनियन को एकदम सब कुछ ये कर देगा, ये इसको इग्नोर करना चाहिए, इसको नजरअंदाज करना चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो कहते हैं कि श्रमिक वर्ग को घोषणा कर देनी चाहिए कि उनका उद्देश्य श्रमिकों की सरकार बनाना है। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन की बात करें, श्रमिकों की सरकार बनाना है जिसकी पूर्ति के लिए एक राजनीतिक श्रम पार्टी संगठित करनी चाहिए, राजनीतिक श्रम पार्टी बननी चाहिए। तीसरी सलाह जो आज के संदर्भ में बहुत दिलचस्प है, कहते हैं कि मजदूर संगठन को, मजदूर वर्गों को सांप्रदायिक अथवा पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से अलग रहना चाहिए। मजदूर संगठनों को सांप्रदायिक राजनीतिक और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से अलग रहना चाहिए। चौथा सलाह कि श्रम संगठन राष्ट्रवाद के नाम पर धोखा खाने से अपने आप को रोक सकता है। पांचवा कि सबसे महत्वपूर्ण कि श्रम संगठन भारतीय राजनीति की अविवेकता के विरुद्ध सशक्त अवरोध के रूप में कार्य कर सकता है। जो अविवेकता प्रिवेल कर रहा है उसके खिलाफ अगर वैनगार्ड एनलाइटेंड फोर्स बनेगा तो वो मजदूर वर्ग को ही इस एजेंडा पे काम करना चाहिए। जो अंतिम जो उन्होंने विकल्प सुझाया है वो दिलचस्प है और नॉलेज पावर का जो डिस्कोर्स है उस संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। वो कहते हैं कि श्रमिकों को यह अनुभव करना है कि ज्ञान के बिना शक्ति नहीं आती, ज्ञान के बिना शक्ति सबके ऊपर लागू होता है। जो बाबा साहब के नाम लेकर दिन भर राजनीति करते हैं और जो सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं कि ये अंबेडकरवादी है, ये नहीं है, ये छदम है, उनको भी पढ़ना चाहिए कि ज्ञान के बगैर शक्ति नहीं आती। श्रमिकों को ठोस तरीके से ये सिद्ध करना होगा कि वे अधिक कुशलता से शासन चला सकते हैं, ये सलाह है। लेकिन कहते हैं कि दुर्भाग्यवश भारत के श्रमिकों ने अध्ययन के महत्व को नहीं समझा है, भारत के श्रमिकों ने अध्ययन के महत्व को नहीं समझा है। श्रमिकों के नेताओं ने सिर्फ यह सीखा है कि उद्योगपतियों को कैसे बड़ा भला बुरा कहा जाए, ये उन्होंने कहा। ये कहने से, सिर्फ आलोचना करने से बेहतर है कि अपने जो श्रमिक संगठन है, जो श्रमिक वर्ग हैं, उसको एक वैनगार्ड फाइटर में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, कैसे उसको शिक्षित करें, ट्रेनिंग करें, ये बात डॉक्टर अंबेडकर उस समय कह रहे थे। कुल मिलाकर कि ये इतनी बात है, लेकिन अगर समीक्षा आप करेंगे तो देखिए बड़ा दिलचस्प कंक्लूजन मेरे सामने आ रहा है कि 1936 में अंबेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे बात कर रहे थे। लाहौर में जात पात तुरक मंडल में उनको बुलाया गया था, लेकिन वो
भाषण नहीं हुआ वहां पे, बाद में वो किताब बुकलेट में छपी वो, तो 1936 में वो कर रहे हैं कि जाति उन्मूलन की बात कर रहे हैं और 1943 में सर्वहारा क्रांति की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है उन्होंने जो पार्टी बनाई थी वो लेबर पार्टी बनाई थी, इसलिए मुझे लगता है कि अंबेडकर के संदर्भ में वर्ग और जाति के प्रश्न को लेकर एक री रीडिंग पुनर्पाठ करने की जरूरत है। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये लगी कि जिस समय अंबेडकर ये बात कह रहे थे, जिस समय बात बोल रहे थे, वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल के काउंसिल में लेबर मेंबर थे, लेकिन वो सर्वहारा क्रांति की बात कर रहे हैं कॉलोनियल पीरियड में। क्या आज कोई मंत्री अपने सरकार के बारे में कोई समीक्षा कोई बात कर सकता है क्या, ये सोचे जाने की जरूरत है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट मैं समीक्षा में मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं कि चाहे जिस भी पंथ के लोग हों, वाम पंथ, दक्षिण पंथ, मध्य पंथ, दलित पंथ, जो भी लोग हों, उनको सिर्फ अंबेडकर का सिंबल नहीं समझना चाहिए बल्कि उनकी भूमिका को व्यापक तौर पर समझना चाहिए, उनको पढ़ा जाना चाहिए। और अंबेडकर को सिर्फ जाति मुक्ति के प्रश्न तक, दलित मुक्ति के प्रश्न तक अगर आप सीमित करके देखेंगे तो उनके उनके राइटिंग्स, उनके डेप्थ, उनके ज्ञान के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए अंबेडकर को वैसे विचार वैसे लोगों को ही पढ़ना चाहिए कि जो लोग अंबेडकर को ब्रिटिश एजेंट और बुर्जुआ नेता जो कहते फिरते हैं, उनको चाहिए कि अंबेडकर को एक बार पढ़ें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आइडियाज इसमें से इमर्ज कर रहा है, उसमें तो साफ स्पष्ट लग रहा है कि जो अंबेडकर का डेप्थ है, जो बात कर रहे हैं, वो कार्ल मार्क्स उन्होंने पढ़ा था, लेनिन को पढ़ा था, उनके छात्र जीवन रहते हुए रूस की क्रांति हुई थी, माओ के कंटेम्परेरी ही समझ लीजिए उनको पढ़ा था, रूस चीन में क्रांति हो रही थी उस समय। तो इसलिए अगर इनके राइटिंग्स को पूरा एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि जो काम लेनिन रूस में कर रहे थे और जो काम माओ चाइना में कर रहे थे, शायद वही प्लानिंग एक तरीके से अंबेडकर भारत को लेकर कर रहे थे, लेकिन शायद उस समय के जो लेफ्ट आइडियोलॉग्स रहे होंगे, चाहे जो लीडर्स रहे होंगे, उनके साथ कुछ वैचारिक, कुछ प्रैग्मेटिक मतभेद रहे होंगे, इसलिए वो धरातल पे, वो जमीन पर वो बातें उभर कर नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि अंबेडकरवादियों को थोड़ा सा वामपंथ वर्ग भी समझना चाहिए और जो वामपंथ है उनको अंबेडकर को ही पढ़ना चाहिए। और जब तक एक कास्ट और क्लास मिलकर क्लास नहीं बनेगा, क्लास के रूप में नहीं ट्रांसफॉर्म होगा, तब तक बात नहीं होगी। शुक्रिया साथियों, जय भीम, थैंक यू।